देश के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती शहर के स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध स्वामी, विवेकानंद शासकीय कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुजर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक गुजर, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश परमार ने प्रधानमंत्री की जीवनी पर प्रकाश डाला। जवाहरलाल जी नेहरू के 130वीं वर्षगांठ मनाना सुनिश्चित किया गया है और इसी कड़ी में हम आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। इसे पुनः प्रतिष्ठित करना या पुनः प्रज्वलित करना, साथ ही नेहरू जी की नीतियों से उनके कि राष्ट्र के प्रति उनके अवदान से युवा पीढ़ी को या विद्यार्थी जगत को अवगत कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में जो हैं सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित जो हमारे उज्जैन से पधारे हैं उनका मैं स्वागत वंदन करता हूं, जो उन्होंने इस कॉलेज के लिए समय दिया और हम आपसे कुछ सीख कर जाएंगे यहां पर, क्योंकि आप सबको यहां पर बोलना है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो नेहरू जी थे वो एक पहले प्रधानमंत्री थे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और उनकी सोच थी कि ये देश कैसे आगे बढ़े और देश कैसे उन्नति की ओर आगे बढ़े। वह 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बच्चों से बहुत प्रेम था। इसी के उपलक्ष्य में आज ये 14 जो तारीख है इस पर बाल दिवस और चिल्ड्रन डे बनाया जाता है, ये उन्हीं के जन्म दिवस पर बनाया जाता है और आप सबको इसकी शुभकामना देता हूँ। इसके लिए यह आयोजन किया गया, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व पर बात रखने के लिए मुझे इस महाविद्यालय में आमंत्रित किया गया है और मैं इस महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और प्राचार्य महोदय का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अपने आप को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भी नीचे प्राचार्य कक्ष में बैठा था और वहाँ मैंने देखा कि आज ही के दिन इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आप सबको भी इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं तो एक प्रखर राष्ट्रवादी, अखंड भारत का संकल्पना जिस व्यक्ति ने देखी और एक लेखक, एक कुशल प्रशासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। 1890 में पंडित नेहरू का जन्म, जिसे आज की स्थिति में प्रयागराज कहा जा रहा है, उससे इलाहाबाद उसको कहा जा रहा था, फिर इलाहाबाद के पहले प्रयागराज ही था, वहाँ हुआ और 1964 में जो है उनका देवलोक गमन होता है। पंडित नेहरू का जो व्यक्तित्व है बहुत विराट है और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको कुछ समय के लिए अपन बांध लें या कुछ समय में अपन उन पर चर्चा कर लें बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में भारत में जो अंतरिम सरकार बनी थी उस अंतरिम सरकार में जो है वो प्रधानमंत्री बने, और इससे पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित नेहरू का जो योगदान है उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पंडित नेहरू जो कि एक बैरिस्टर थे, उनके पिता भी एक नामचीन बैरिस्टर थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों का चेहरा थी, भारतीयों की आवाज़ थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया और 1928 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन लाहौर में होता है रावी नदी के तट पर, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की। मैं यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि वो 26 जनवरी का दिन था और वो अपना एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन इस संदर्भ में उसको कहा जाता है कि उसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था, अर्थात इससे पहले जो आंदोलन हो रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, वो आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था डोमिनियन स्टेट को प्राप्त करना, अर्थात अंग्रेजों का भी शासन बना रहे और हमारा भी शासन बना रहे। परंतु पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में इस बात की मांग की गई कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अर्थात जो बात हमने 1942 में कही कि अंग्रेजों भारत छोड़ के चले जाओ, वो बात हम 1929 में जो है 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के तट से लाहौर में कह चुके थे। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित नेहरू का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व है और उनका अपना एक बड़ा योगदान है। हम और बात करें पंडित नेहरू की संसदीय सत्रों में भूमिका को, तो पंडित नेहरू जो है वह पहले व्यक्ति थे
जो कि लगभग लोकसभा और राज्यसभा की हर डिबेट या हर बहस में भाग लेते थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो आलोचनाओं को स्वीकार करते थे और आलोचना करने पर जो है उसको मतलब कहते थे कि आलोचना मेरे लिए जो है औषधि का काम करती है। कई बार उनकी आलोचनाएं होती थी और ये देखा गया है कि भारतीय राजनीति का वो एक बहुत सुंदर दौर था। जो दौर था उसे स्वर्णिम युग लोग कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई विरोधी दल का व्यक्ति भी होता था और यदि कोई योग्य होता था तो पंडित नेहरू उसको चुनाव जिता करके लोकसभा में लेकर के आते थे। कई ऐसे लोग थे, रामन लोहिया की हम बात कर लें, लोहिया जो है वो तीव्र आलोचक थे नेहरू के, पंडित नेहरू की नीतियों की उन्होंने खुलकर आलोचना की। चाहे किसी भी प्रकार का विषय होता था वो नेहरू की आलोचना करते थे संसद के भीतर, लेकिन नेहरू हमेशा जो है इस बात को मानते थे कि नहीं, आलोचनाएं हमारे लिए जो है वह औषधि का काम करती हैं, वो सरकार को दिशा दिखाती हैं। पंडित नेहरू ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और जो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज IIT जैसे संस्थान हमारे देश में है, आज IIM जैसे संस्थान हैं, आज इसरो जैसा संस्थान है जो पूरी दुनिया को जो है मतलब जो पूरी दुनिया में जो नासा है उस नासा को टक्कर देता है। इसरो का वैज्ञानिक आज उस ऊंचाई पर है तो पंडित नेहरू के कारण। आज हम देखेंगे कि जो उस समय जब देश आज़ाद हुआ, लोग कहते हैं कि उस समय कील भी इस देश को नहीं बना करती थी, अर्थात बड़ी बदहाल स्थिति में देश उनको मिला था। इसके बावजूद भी उन्होंने परमाणु ऊर्जा के लिए काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जो है उसके माध्यम से हमारी सुरक्षा तो होगी सही, इसके साथ साथ से हमारी जो ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो ज़रूरतें भी पूरी होंगी। अर्थात एक ऐसे भारत की संकल्पना जो विकसित हो, जो आगे निकले, इस प्रकार की संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के लिए खींची गई। पंडित नेहरू भारत को एक परिवार के रूप में देखते थे, एक परिवार के रूप में देखते थे और यही कारण था कि राष्ट्र के प्रति चिंतन जो था उनका, राष्ट्र के लिए हमेशा काम करते रहते थे। हम विदेश नीति के संदर्भ में बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो विदेश नीति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम सबको यह पता होना चाहिए, मेरा मानना है कि अधिकांश लोग यह जानते भी होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह भारत के प्रथम विदेश मंत्री हैं। आपने बहुत ही सार्थक रूप से पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और साथ ही उनके राष्ट्र के प्रति अवदान को रेखांकित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जी को नेहरू जी के बारे में आज के कुछ लोग वो भले कितने भी ज्ञानी हो बहुत सारी तरह तरह की मिथ्या बातें करते रहते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 9 वर्ष अपने जीवन के जेल में बिताए, वो जो लोग उनके बारे में करते हैं वो 9 दिन बिता के दिखा दे तो हम जान जाए। अंग्रेजों के शासनकाल में, अंग्रेजों की हुकूमत में 9 वर्ष जेल में रहना कोई मामूली बात नहीं। और वो जब वो एक ऐसे परिवार से आते थे जहाँ उनको इन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी आज़ादी के आंदोलन में जाने की। ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो उनके पूरे खानदान को सलाम करता था, इज्जत से देखता था, उनको ज़रूरत नहीं थी उनके विरुद्ध विद्रोह करने की या उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की या देश की जनता के साथ देने की। लेकिन वो कहते हैं ना संस्कार या संस्कृति, वो इस बात को लक्षित करती है कि भले कितना भी धन मेरे घर में हो लेकिन मेरा जमीर इस बात को गवारा नहीं देता कि मैं किसी का गुलाम बनकर इस देश में रहूं। और यही बात थी कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू आज़ादी के आंदोलन में, कांग्रेस कोई एक संगठन नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन है, जब जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस संगठन को बनाया था। नेहरू जी 9 वर्षों के जो जेल की यात्राएं थी उसमें सबसे ज़्यादा 3 साल तक जेल में रहे, वो शायद 42 से 45 के बीच की समय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिमा मंडित करने का काम हमारे मित्र लोग करते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की जो मित्रता थी वो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताबें पढ़ लें, जो उनकी बायोग्राफी लिखी हुई हो, या नेहरू जी की पढ़ लें तो उनकी बायोग्राफी लिखी हो, या भगत सिंह जी के कोई किस्से पढ़ लो उनकी लिखी हो, सब में आपको ये मिलेगा
कि नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरह से अभिन्न मित्र थे। 1 जनवरी 1947 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू जी ने पत्र लिखकर उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का अनुरोध करा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो जवाब दिया था वो कि मैं 30 वर्षों से आपका अभिन्न मित्र रहा हूँ और आगे का पूरा जीवन भी इसी तरह हम निकाले और देश हित में जो आपका किया हुआ त्याग है वो इस पूरे देश में कोई नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ, इसलिए आने वाला समय जीवन पर्यंत आपके साथ गुजार सके ऐसी मेरी इच्छा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द थे जिनको आज तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। नेहरू जी का एक वाक्य और बताऊं कि जब वो आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री के रूप शपथ लेने के बाद में दिल्ली के किसी स्थान से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा ने उनको उनके काफिले को आवाज़ लगाई, ए जवाहर, वो काफिला वहीं रुक गया। नेहरू जी उतरे और उनसे पूछा क्या हुआ अम्मा, तो बोले तू तो बोलता था कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो सब खुशहाली आ जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, आज तो हम आज भी दुखी हैं, हम आज भी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, कहा क्या हुआ आज़ाद होकर। नेहरू जी ने अम्मा जी को कहा कि अम्मा जी देश आज़ाद हो गया तभी आप देश के किसी प्रधानमंत्री को जवाहर कहकर रोक रहे हो, नहीं तो ब्रिटिश हुकूमत में आवाज़ निकालने की भी साहस या दुस्साहस कोई नहीं कर सकता था। जिसका असर 25 साल में होगा, एक था हमारे पास लोहा स्टील, हमें कोई भी मशीन बनाना हो, कोई भी विकास करना हो, कुछ भी निर्माण करना हो तो हमारे पास में स्टील होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, और दूसरा उसके निर्माण के लिए हमारे पास ऊर्जा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होना चाहिए, एटॉमिक एनर्जी। उसी समय उन्होंने 3 देशों से समझौते किए विदेश यात्राओं में, बोकारो स्टील प्लांट, इस तरह के 3 प्लांट फिर यहाँ पर स्थापित किए गए। उसके बाद भारत में भी खुद के प्लांट स्थापित हुए जिनकी वजह से ही आज जो हमें बड़ा परिवर्तन दिख रहा है उसे हम लोग देख पा रहे हैं। आज हम लोग 25 साल के हो गए हैं तो समझ लीजिए कि 25 साल पहले जो विनियोग किया गया होगा हम उसका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि 25 साल की अवधि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, 5-5 साल के टुकड़ों में बांट लिया जिससे इनका पुनर्मूल्यांकन किया जा सके, इसमें कुछ संशोधन किया जा सके। उन्होंने एक तो कृषि नीति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था कि किसानों को हम खेती करना सिखाएं, उनको समृद्ध बनाएं, हमारे पास गरीबी दूर हो, लघु और कुटीर उद्योग विकसित हो, लेकिन जस्ट उल्टा इसके साथ ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे उद्योग जो 5 साल में प्रोडक्शन करना स्टार्ट भी नहीं कर पाते, जिनका प्रोडक्शन कार्य 10-15 साल बाद शुरू होता है, उनके हमारे पास हैंड्स नहीं थे, हम लोग रूस से और जर्मनी से और जिनसे समझौते किए थे उनके मैकेनिक आकर यहाँ पर प्लांट को स्टैब्लिश करते थे, उनके मैकेनिक आकर यहाँ पर उस प्लांट को ऑपरेट करते थे। धीरे धीरे हमने तकनीकी सीखी, IIT स्टैब्लिश हुई, 5-7 साल में हमारे कुछ इंजीनियर्स निकलना शुरू हुए, तो हमने धीरे धीरे हमने उनसे मुक्ति पाई और स्वयं आत्मनिर्भर होना शुरू हुए। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई थी जो पूर्णतः कृषि पर आधारित थी और पूर्णतः फेल हो गई थी। उसके बाद हमने कुछ परिवर्तन किए, लेकिन ये सब देन, ये सारे विचार नेहरू जी के ट्रस्ट इश्यू बना के किया, उन्होंने बहुत जिद्दी थे, नेहरू जी जो तय कर लेते थे वो गांधी जी के चेले ऐसे नहीं बन गए, एक गांधी जी थे बहुत जिद्दी और दूसरे नेहरू जी थे बहुत जिद्दी, उन्होंने जिद्दी कोशिश तय कर लिया है, उन्हें बात समझ में आ गई है हमें विकास करना है और इस तरह से ही करना है, वो सबको राजी करते थे, सबको सहमत करते थे, लेकिन वो वही करवा लेते थे चाह रहे हैं। YouTube आप लोग देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं यूट्यूब, नहीं, उसमें एक सीरियल आता है भारत एक खोज, देखा है क्या, पढ़ा होगा आप लोग कोर्स में होगा, भारत एक खोज हमारे यहाँ एक ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, मतलब वो नेहरू जी के उसकी ऑटोबायोग्राफी है,
नेहरू जी ने भारत के बारे में बहुत पहले समय से इतिहास के रूप में बहुत सारी चीज़ें प्रतिपादित की हैं, समझाई हैं, बताई हैं और प्रमाण सहित बताई हैं। उस किताब में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी पक्षपात किया हो। बड़ी निरपेक्ष भावना से जो उनको ठीक लगा, जो सही था, वही सब उन्होंने उल्लेख किया है। मतलब हम लोग उसका दृष्टांत कहीं और देते हैं उसका, कि जब हम किसी और को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था तो कहते हैं कि आपको अगर नहीं मालूम होता उसमें सीरियल में देखें, भारत एक खोज में पढ़े, तो उसके हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन उपलब्ध हैं। और विद्यार्थियों से स्पेशली अनुरोध है, यदि आपने वो सीरियल नहीं देखा है ज़रूर देखें, और यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ने में रुचि रखते हो तो भारत एक खोज हिंदी में उपलब्ध है, एक बार ज़रूर पढ़ें। सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी, उस किताब आपके पास में हो तो आपके ड्राइंग रूम की गरिमा बढ़ाती है वो, यदि आपके ड्राइंग रूम में वो किताब रखी है तो उसको पढ़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आपके कोर्स की भी हैं। दो चीज़ें मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता इस बात की कि आज हम ये कहते हैं कि पड़ोसी के घर आग लग जाए ताली बजाओ, क्यों? क्योंकि पड़ोसी से आपका बैर है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का आवरण ओढ़ना और उसको अपने अंदर उतारना और उसको हमारी विदेश नीति का हिस्सा बनाना, ये अगर कोई सीखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, और उन्होंने जो अवधारणा रखी उस अवधारणा से ही आज भारत इस स्वरूप में हमें दिखाई देता है। आज के समय में हम बार बार बात करते हैं सेलिब्रिटीज की, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, तो जो विषय अनछुआ रहा उसी पर आ रहा हूं कि एक देश जिसे कहा जाता है, आज भी हम भारत को इसी रूप में याद करते हैं कि हमने अंग्रेजों की, पूछते हैं कि भारत माता कौन, भारत माता कौन, क्या भारत माता कोई सजीव है, भारत माता का क्या अर्थ है? वो कहते हैं यहां की मिट्टी, यहां के पेड़, पर्यावरण, यहां का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, ये भारत माता है। आज हम क्या देखते हैं? आज हम इसका उल्टा देखते हैं। हम भारत माता को मानते हैं, हम उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन उस भारत माता के जो साकार स्वरूप जो होता है वो साकार स्वरूप को हम कहीं पीछे छोड़ते हैं। स्पोर्ट्स की जब बात करें कि 1947 में जब 200 वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था कि हम अपने नागरिकों को, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको केवल दो वक्त का भोजन उपलब्ध करा पाएं। इस हेतु हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ ये कि हमारे देश का युवा कहीं अवसाद में ना चला जाए, तो पहले एशियाई खेल 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता का, ये पहले एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया और उस समय 19 देशों ने उस खेलों में भाग लिया। तो ये बताता है कि वो केवल जीवन के या राजनीति के केवल एक पक्ष के अंदर अपनी दूरदर्शिता रखते हूँ ऐसा नहीं। उनके जब मंत्रिमंडल की बात करते हैं, वाकई आज सरदार पटेल को महान दिखाने के लिए नेहरू जी का अवमूल्यन करने के उत्सुक प्रयास होते हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक धीमा जहर, एक धीमा डोज दिया जाता है, लेकिन महान विभूतियां कभी भी इसलिए महान नहीं होती कि उनकी तुलना किसी दूसरे से कर कर किसी को नीचा दिखाया जाए। भगत सिंह जितने बड़े नास्तिक थे, आज उसका बिल्कुल उल्टा बताया जाता है। जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने सरदार पटेल को पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं, अंबेडकर जी और नेहरू जी और गांधी जी बिल्कुल धूर विरोधी थे, लेकिन जब हम उनके मंत्रिमंडल को देखते हैं तो विधि मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर, अबुल कलाम को जो भारतीय मूल के थे ही नहीं,
अभी 11 नवंबर अबुल कलाम का जन्म दिवस था। अबुल कलाम को पूरा श्रेय जाता है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था है। आज जो हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखते हैं, आज जो हम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद देखते हैं, IITs और एम्स और IIMs देखते हैं, उन सब के पीछे अबुल कलाम और नेहरू जी की जुगलबंदी थी। और उन अबुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का शहर। वहां से उनके पिताजी भारत आए थे। क्या आप ऐसी कल्पना आज के भारत में कर सकते हैं? तो इस देश को महान बनाने में पंडित नेहरू जी का जो योगदान है, और न केवल पंडित नेहरू का, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, हर एक, आप जो गुलदस्ता जो होता है, तो केवल एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता। हमारे शरीर की अगर हम पोषण की बात करते हैं, छोटे बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का अर्थ है उसके भोजन में समान जो उसकी आवश्यकता है, विटामिन्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, जितने आवश्यक तत्व हैं वो सारे तत्व होना चाहिए। उसी तरह से कभी भी एनार्किज्म नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उसके अपने एक अद्वितीय विचार हैं, और जब वो वैचारिक धरातल पर अलग अलग भिन्नता वाले व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होते हैं, तब राष्ट्र नाम की इकाई का निर्माण होता है। और उस राष्ट्र की इकाई के नींव के पत्थर अगर हैं, आधुनिक भारत के यदि कोई वास्तविक मंदिर हैं, किन्हें अगर मंदिर देखना है, तो वो जाकर गांधी सागर बांध देखें। जिन्हें अगर मंदिर देखना है तो भाखड़ा नंगल बांध देखें, और जिन्हें अगर मंदिर देखना है तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जाकर देखें। लेकिन इस उद्देश्य से देखें कि वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जिस सरदार सरोवर डैम के किनारे है, उस सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुआयामी है, और मैं यहाँ जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हैं उनसे केवल एक ही अनुरोध करूँगा कि वो अपने व्यस्ततम समय में, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी